Wait, I will share my screen once again. Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, okay. So, I will have to again explain you for this. We were doing provisions requirements. Now, what are the provisions? Provisions means reserves to be maintained for incurring future losses. उसे कहते हैं प्रोविजन मेंटेन करना. स्टैंडर्ड एसेट्स में इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया. देखते हैं, पहला, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए डायरेक्ट एडवांस मतलब लोन दिया हुआ है, या एसएमई सेक्टर को लोन दिया है, स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं इसको, अगर ऐसे बिजनेसेस को डायरेक्ट एडवांसेस मतलब लोन दिया हुआ है तो 0.25% आप रिस्क रिजर्व कर सकते हैं. मतलब इतना नुकसान आपका होगा, ऐसा करके आप प्रोविजन कर सकते हैं 0.25%. इट इज 0.25, इट इज नॉट 25%. ओके, नेक्स्ट, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर्स. जो रियल एस्टेट सेक्टर्स होते हैं ना, कमर्शियल रियल एस्टेट, जो जो लैंड एंड बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टीज में डील करते हैं रियल एस्टेट और कमर्शियल पर्पस के लिए, उनको अगर आप लोन देते हैं ऐसे बिजनेसमैन को, तो 1% रिस्क प्रोविजन होता है इसका, 1%. ओके, लॉस प्रोविजन में डालते हैं आप. नेक्स्ट, एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट, लेकिन रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर से. ऊपर रियल एस्टेट कहीं किसी का भी हो सकता है, नीचे हाउसिंग का, ऊपर फैक्ट्री शॉप किसी का भी हो सकता है ना रियल एस्टेट, यहाँ पे नीचे हाउसिंग सेक्टर की बात कर रही है. तो हाउसिंग सेक्टर में थोड़ा कम, 0.75, 1% से थोड़ा कम, 0.75% रिस्क को आप प्रोविजन में डालते हैं. हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू लेस एट द लेसर रेट 2%. अगर आपने किसी को हाउसिंग लोन दिया है और कम रेट पे दिया है, इंटरेस्ट का रेट कम है, हाउसिंग लोन दिया है किसी को, तो दैट इज 2%. ओके, प्रोविजन बता रही हूँ मैं, 2% प्रोविजन करना है आपको, कि जितना भी लोन दिया है उसका 2% विल बी प्रोविजन, एंड अदर एडवांसेस विल बी. इसके अलावा कोई और है तो, इसके अलावा कोई और है तो 0.40%, मतलब 40% नहीं है, 0.40% है. प्लीज नोट द डिफरेंस. अब आ जाइए नॉन परफॉर्मिंग में. ये आपको पढ़ के रखना है, लर्न करके रखना है ये वैल्यू सारी, परसेंटेजेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सम्स करने वाले. सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखिए, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ऑफकोर्स इट इज नॉट ओके. यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसेट्स ओवर ड्यू अप टू 90 डेज. ओके, इट इज अप टू 90 डेज है तो स्टैंडर्ड एसेट्स. अच्छा, 90 डेज को क्रॉस कर गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएगा. Am I audible properly? Clearly? Yes, am I audible? हाँ, 90 days तक होगा तो standard assets. 90 days को cross करेगा तो non-performing assets बन जाएगा, वो bracket में लिखा हुआ है. Okay? अच्छा, अब non-performing assets है, अगर 12 months तक हुआ तो substandard assets. सब स्टैंडर्ड एसेट्स को देखो, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. कैन यू सी सब स्टैंडर्ड एसेट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. सी, सिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग. अगर आपका जो लोन था ना वो सिक्योर्ड था, मतलब कुछ तो गिरवी रखा हुआ था कस्टमर ने आपके पास, सिक्योर्ड पोर्शन था वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो लोन था वो सिक्योर्ड था, मतलब आपके पास कुछ तो गिरवी रखा हुआ है. जब आपने किसी को लोन दिया ना तो कुछ कुछ गिरवी लिया था एज अ सिक्योरिटी. वेरी गुड. तो अगर ऐसा कोई लोन है जो सिक्योर्ड है, वो सबस्टैंडर्ड एसेट है, तो उसका 15% प्रोविजन होता है. कितना परसेंटेज होता है? 15. नेक्स्ट,
अगर अनसिक्योर्ड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, अगर आपने किसी बिजनेस को लोन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उनके पास एस्क्रो अकाउंट्स हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको 20% प्रोविजन करना है। लेकिन अगर ध्यान देना, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर आपने किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया है, ओके, और ये अनसिक्योर्ड है, उनके पास उनसे आपने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं ली है, तो ऐसे केस में थोड़ा रिस्क ज्यादा, थोड़ा प्रोविजन ज्यादा, 20%। और अगर अगर बिल्कुल अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन नहीं, अदर कैटेगरी, अनसिक्योर्ड अदर कैटेगरीज अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, बट वो भी अनसिक्योर्ड है, मतलब आपने एज ए सिक्योरिटी उनसे कुछ नहीं लिया है, तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा प्रोविजन, 25%। तो ये जो सब स्टैंडर्ड एसेट है ना, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एंड अनसिक्योर्ड अदर्स। ठीक है, अब आ जाइए डाउटफुल पे। 1 मिनट, ये पता नहीं क्यों क्लिक करने से ऐसे। हाँ, अब देखिए डाउटफुल, जो डाउटफुल है ना उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड को फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years एंड अबव 3 years। देखो, दिख रहा है आपको? पहले तो सिक्योर्ड, ये देखो नेक्स्ट वाला टेबल देख, नेक्स्ट वाला कॉलम देखो, ये डाउटफुल का है, ये डाउटफुल एक्चुअली ऊपर चला गया है, ये डाउटफुल इधर आना चाहिए, और ये इसका है, सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 25%, 1 to 3 year, 3 years तक पैसा नहीं मिल रहा है और डाउटफुल भी हो चुका है, तो थोड़ा और ज्यादा प्रोविजन करेंगे 40%। 3 years से भी ज्यादा हो गया, 100%, अब तो चांसेस ही नहीं है मिलना है पैसा, अब तो लॉस ही हो गया ऐसे समझो, 3 years से ज्यादा हो गया और वो भी डाउटफुल तक आ चुके हैं हम। अब तो मैंने सोचना है कि 100% पैसा डूब गया, प्रोविजन कर दिया मैंने 100%, मतलब आपने ये दिखा दिया कि पूरा का पूरा नुकसान हो गया, लेकिन तब दिखाएंगे जब 100 अबव 3 years हो जाएगा। अच्छा, डाउटफुल में ये तो सिक्योर्ड थे, सिक्योर्ड मतलब क्या, जब आपने किसी को लोन दिया है और आपने सामने वाले से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बेसिस पे असेट को गिरवी रखवाया है, मतलब आपके पास उनकी एसेट पड़ी है, उसे कहते हैं सिक्योर्ड। अब आ जाते हैं अनसिक्योर्ड पे, जब आपके पास कोई कुछ भी नहीं है, गिरवी पे भी नहीं है, कुछ नहीं है, उनके नाम पे कोई एसेट आपके पास रखी हुई नहीं है। देखो, पहले ही अनसिक्योर्ड है, पहले से ही वो अनसिक्योर्ड है, ऊपर से वो डाउटफुल के स्टेज तक पहुंच गए हैं, अब क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपकी कुछ अमाउंट मिलेगा, देयरफॉर 100% लॉस, 100% आप बुक्स में दिखाओगे प्रोविजन, प्रोविजन मतलब उसका मैंने रिजर्व करके रखा है कि 100% नुकसान ही होगा, प्रोविजन करके रखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लॉस एसेट्स। लॉस मीन्स कंप्लीटली नुकसान हो चुका, यू डोंट हैव टू थिंक नाउ, देर इज अ फाइनल डिसीजन दैट द अमाउंट हैज बीन लॉस्ट। ओके, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, सो 100% प्रोविजन करनी पड़ेगी। यस, 100%। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? इसकी सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थियोरी पार्ट इज ओवर, एक्सेप्ट वन थिंग, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, दिस पार्ट आई नीड 20-25 minutes टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई नीड एटलीस्ट 20-25 minutes टूगेदर। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल स्टार्ट विथ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक रिविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड इट्स प्रोविजनिंग नॉर्म्स। Then we will shift to the practical questions of non-performing assets. Is this okay? Is this way that I'm going through is okay? Yes, ma'am. Okay. So we will wind up today and we'll continue tomorrow. I mean, I don't have lecture tomorrow, but then day after tomorrow we will continue.
ओके टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड स्टे होम स्टे सेफ बाय एवरीवन.